कैसे कैसों को दिया है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। Hey guys, welcome to P-Boy Fame. मैं हूँ आकाश और मैं करता हूँ रिव्यू रोज बिग बॉस का। तो गाइज आपको सबको बहुत बहुत ज्यादा बधाई हो। जो बिग बॉस है उसका जो स्टैंडर्ड है वो ऊंचा हो गया। और गाइज वेरी वेरी वेलकम टू पीपल फेम एंड जॉइनिंग दिस लाइव रिव्यू। लाइव नहीं है आज, यू नो आई एम रिकॉर्डिंग दिस बिकॉज मैं कहीं और हूँ, घर पे नहीं हूँ, अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। और बट द वर्क इज यू नो ऑन एंड आई एम एट मैंने ठान लिया मतलब रोज रिव्यू करना है तो अब कोई भी चीज नहीं रोक सकती। तो आई एम ट्राइंग टू यू नो यूज वट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर आई हैव, वट एवर रिसोर्सेज आई हैव, और मैं कर रहा हूँ फिर भी रिव्यू। तो अगर आपको मेरी शिद्दत अच्छी लगती है तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए। और गाइज जब सब्सक्राइब करें चैनल को, पहली बार देख रहे हैं रिव्यू, तो जरूर आप जो बेल का आइकन है जो घंटा है वो दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी एक नया वीडियो या लाइव स्ट्रीम अपलोड हो। गाइज यू नो आई वॉन्ट टू से दिस, जो जैसे मैंने पहले बोला कि जो जो स्तर है इस शो का वो बढ़ गया है बिकॉज जो गर्ल पावर है वो कंटिन्यूअसली 2 दिन से हमें दिख रही है। कई गाइस पहले जो बीबी हॉस्पिटल टास्क था उसमें हमने देखा कि जैसे माहिरा ने, जैसे सना ने जैसे दिखाया दम खम दिखाया, और शिफानी ने जैसे इतना अच्छा टास्क किया, देवलीना ने इतना अच्छा टास्क किया, गाइस रश्मि ने, एवरी एवरी ईच एंड एवरी गर्ल, यू नो दीज गाइज शोड द गर्ल पावर इंक्लूडिंग दलजीत एंड कोयना। बट मुझे लगता है कि आज जो दो स्टोरीज हमको सुनने को मिली स्पेशली कोयना से, और गाइज यू नो आज बहुत बहुत अच्छा लगा जिस तरह आरती ने भी अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताई, कोयना ने बताया जैसे उनके यू नो ऑब्सेस्ड हस्बैंड के बारे में। और गाइज यू नो ये चीज जो है ये दुनिया के हर कोने में कई लोग सफर करते हैं, देयर आर सो मेनी वुमेन हु फेस अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप, और मे बी इट्स नॉट ओनली अबाउट अ वुमेन, इट्स अबाउट एनी बडी यू नो फेसिंग अ डिफरेंट डिफिकल्ट रिलेशनशिप। और मुझे लगता है जो कोयना बता रही थी यू नो कि एक प्यार होना, प्यार की कमी होना वो भी प्रॉब्लम है, और एक प्यार होना और बहुत ज़्यादा होना उसका वो भी एक प्रॉब्लम है, और ऐसे लोगों के साथ रहना कि जो आपके साथ बहुत एक्सपेक्ट करते हैं आपसे या आपको स्पेस नहीं देते हैं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो उनकी जर्नी थी बहुत इंस्पायरिंग थी कि कैसे ऐसी रिलेशनशिप से निकल के आप फिर भी सर्वाइव करते हो और वापस यू नो शी इज़ नाउ कमिंग ऑन टू दिस काइंड ऑफ अ शो, इट्स रियली इंस्पायरिंग। तो बहुत बहुत अच्छा लगा वो सुन के। प्लस गाइज आरती सिंह का जो उन्होंने बताया कि भाई आई वॉज डूइंग अ शो, आई वॉज टेकन एज अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड आई कुड नॉट मेक इट एंड दैट्स वाई यू नो आई गॉट इन टू डिप्रेशन बिकॉज उसके बाद भी मुझे काम नहीं मिला। तो ये बहुत लोगों की स्टोरी हो सकती है, स्पेशली जो डिप्रेशन की उन्होंने बात करी, आई हैव सीन सो मेनी पीपल एंड आई एम सो क्लोज टू दिस सब्जेक्ट बिकॉज मुझे लगता है डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं और रियलिटी का सामना नहीं कर पाते, प्रेजेंट में नहीं जीते, बहुत पास में रहते हैं या फ्यूचर को इमेजिन करके डिप्रेस रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं। तो गाइज ये जो है आई जस्ट वांट टू सी से वन थिंग मोर कि मेरी भी एक स्टोरी है, आकाश गुप्ता व्लॉग्स मेरा चैनल है और जहाँ मैंने स्टोरी शेयर करी है थोड़ी हद तक, उसका वीडियो लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा आई बटन में, उसका वीडियो लिंक आप एक बार देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस टॉपिक ऑफ डिप्रेशन, आरती सिंह की जो स्टोरी थी बहुत इंस्पायरिंग थी क्योंकि उन्होंने जो स्पेशली बोला अपनी मदर के बारे में कि आरती सिंह ने बोला कि जैसे मेरी मदर है मुझे पैदा करते करते वो चली गई इस दुनिया से, और जिस माँ ने कुर्बानी दी मुझे यहाँ इस दुनिया में लाने के लिए, वो मैं जो लाइफ है उसको व्यर्थ कर रही हूँ जस्ट यू नो एक डिप्रेशन में आके कि मैं कुछ अचीव नहीं कर पाई क्यों। उन्होंने एक और चीज़ बोली कि उनका एक रिश्ता हुआ, उनको एक लड़का अच्छा भी लगा था पर उन्होंने उनको कॉल भी वापस नहीं किया बिकॉज उनको पता चला कि वो डिप्रेशन में। गाइज आई डोंट नो व्हाई इन दिस कल्चर ऑफ आज ये जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ऐसी चीज़ों को लेकर लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी बात है। आई बिलीव इट्स जस्ट लाइक एनी अदर सिकनेस, चाहे फिजिकल फिटनेस होती है, चाहे जुकाम, नज़ला, खांसी, कई लोगों को लीवर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, कई लोगों को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, बहुत चीज़ें हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं, ऐसे ही मतलब आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, पर कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े पीछे हैं, हमारे जो ख्यालात हैं वो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, हम लोग इवॉल्व नहीं हो पाते उस टाइप पे। तो आई गेस ये जो स्टोरी है आरती सिंह की दिस इज इंस्पायरिंग एंड दिस डेफिनेटली क्रिएट सम काइंड ऑफ अ टॉपिक और डिस्कशन विच द बिगेस्ट रियलिटी शो लाइक बिग बॉस नीड्स टू कन्वे। और मुझे लगता है कि ये दो स्टोरीज ने सर इसलिए बदल दिया बिग बॉस का भी, स्प्लिट्स स्कूलिंग कनेक्शन
कनेक्शन, चीपनेस, ठरकीपन, ये सब कुछ दिख रहा था। पर आज आई एम प्राउड दैट आई एम रिव्यूइंग दिस काइंड ऑफ शो, बिकॉज ऐसी भी स्टोरीज हैं जो ये शो कन्वे करता है। तो ग्रेट ग्रेट, वेरी वेरी गुड इंस्पायरिंग स्टोरीज गाइज। इसके साथ साथ यू नो, लेट्स टॉक अबाउट नाउ समथिंग एल्स। लेट्स टॉक अबाउट पारस। लेट्स टॉक अबाउट कि पारस कितने डिमांड में है, और जहाँ लग रहा था आसिम इतने बड़े मॉडल ने ये है वो, आसिम और पारस की चलेगी वहां, बस पारस को ही पूछ रही है लड़की, और आज दो लड़कियों की फाइट हो गई पारस को लेकर। और माहिरा और सना ये पूछ रही है पारस से, भाई तू एक को चूज कर। और जो यू नो फनी चीज ये थी कि जो सना है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट बोलती है, पर जो माहिरा है वो कह रही है भाई बॉयफ्रेंड मत बोल, ये मत बोल। और उनको प्रॉब्लम हो रही है इस चीज से कि जो सना है वो बड़ी वोकल है, और सना को प्रॉब्लम होती है कि जब पारस माहिरा के साथ बैठता है। और माहिरा कह रही थी भाई बॉयफ्रेंड टर्म मत यूज़ कर, मेरे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज दे हैव सेड कि ऐसा कुछ मत करना शो में। पर मुझे थोड़े डबल स्टैंडर्ड्स दिखे, बिकॉज माहिरा बाद में पूछती पाई गई पारस से, भाई अगर किसी एक को चूज करना है तो तू बता, या तो मेरे साथ या उसके साथ। भाई फ्रेंड्स हैं अगर, और अगर वो दूसरे को भी चूज कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है फिर, तो ये समझ नहीं आया। और एक और चीज नहीं समझ में आई कि जब वो बॉडी शेम कर रही थी हट्टी कट्टी दिखा के सना को, यू नो जिस तरह वो अपने एक्सप्रेशन से दिखा रही थी, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखा रही, तो आई बिलीव उनके पेरेंट्स को ये बात ज्यादा खराब लगी होगी आई एम श्योर। और माहिरा को ये समझना चाहिए कि बॉडी शेमिंग इज नॉट एट ऑल कूल मैन। और बॉडी शेमिंग दूसरी बार हुई, एक बार रश्मि के साथ हुई हॉस्पिटल टास्क में, वो भी बहुत गलत था जब शेफाली ने किया, आई बिलीव लाइन क्रॉस कर गई। शेफाली बड़ा अच्छा कर रही थी, बिकॉज यू नो धीरे धीरे बोल रही थी शेफाली, चिल्ला नहीं रही थी, कान का टास्क उनको बियॉन्ड द लाइन जाना था। पर जब आप इस तरह का बॉडी शेमिंग करते हो तो वो थोड़ा सा लो स्तर का गिर जाता है। तो आज वही चीज माहिरा ने करी शहनाज के लिए, फिर शहनाज ने कुछ कपड़ों वाली बात करी, बट आई बिलीव बॉडी शेमिंग को कंपेयर किया जाए तो दिस इज नॉट एट ऑल कूल। एंड पिछले सीजन में भी कुछ लोगों ने बॉडी शेमिंग करी है, शिल्पा शिंदे को बॉडी शेमिंग करा गया, अर्शी खान को बॉडी शेम करा गया सीजन 11 में, विच वॉज अगेन नॉट कूल। तो आई बिलीव आई डेंट लाइक इट। बट हाँ पारस डिमांड में, और वो इसलिए भी पता चलता है गाइज, जो बाद में रिपोर्ट कार्ड का टास्क हुआ तो उसमें भी पारस को किसी ने ब्लैक रिंग नहीं दिया, और दिस इज क्वाइट फनी एज वेल। सिद्धार्थ शुक्ला को एक ब्लैक रिंग दिया शेफाली ने, अब्बू जी को दिया दलजीत ने, और एक और अब्बू जी को मिला माहिरा ने दिया, दलजीत ने दिया ये बोल के भाई वो बायस थे। सिद्धार्थ शुक्ला को शेफाली ने दिया बिकॉज यू नो बदतमीज हैं। सिद्धार्थ डे को तो मिलना ही था, बिकॉज जो आज चीज़ें हुई बीच में देवो रश्मि और सिद्धार्थ डे के, तो उनको तो मिलना ही था। तो देवोलीन और कोयना ने दिया सिद्धार्थ डे को, और आसिम को सना और आरती और रश्मि ने दिया बिकॉज आसिम ने टास्क नहीं किया। आई थिंक ओके विद ऑल ऑफ द ब्लैक रिंग्स। मुझे नहीं लगता किसी भी ब्लैक रिंग में कोई खराबी थी, बिल्कुल ठीक दी गई गाइज। बट मुझे ये लगता है यू नो डेफिनेटली कि जो पारस हैं बिल्कुल बच गए हैं, और फाइनल जो 4 वीक का फिनाले है उसके बाद आगे जाते हुए दिख रहे हैं साफ, उनको कोई नहीं रोक सकता। बस गाइज एक और टॉपिक पे बात करना चाहूंगा, शेफाली। तो शेफाली को आज फिर से शेफाली को यू नो बीच की यू नो मुद्दा बनाया गया शेफाली का, कि जो उन्होंने क्वीन नहीं बनने दिया था देवोलीना को। बट गाइज मैंने कल भी बोला था कि अगर अपने लिए कोई स्टैंड ले रहा है तो वो बेटर है, यू नो अगर माहिरा जो कि डिजर्व करती थी, सना जो डिजर्व करती थी अपने लिए क्वीन बनना, यू नो देवोलीना से मुझे लगता है ज्यादा अच्छा टास्क माहिरा ने किया था, बिकॉज देवोलीना ने खाया था, पर माहिरा और जो सना ने स्किन ट्रीटमेंट और स्पेशली आइस रखी थी, माहिरा की थाइस पे भी रखी थी, पैरों पे, नेक पे रखी थी, तब भी माहिरा ने वो टास्क किया। आई बिलीव सबसे बेस्ट टास्क था वो, और अगर बनना चाहिए था किसी को क्वीन तो माहिरा को बोलना बनना चाहिए। और शिवाली ने आज बोला भी, अगर मेरे को नहीं बनना होता, दूसरा नाम अगर होता तो वो होता माहिरा का, पर वो भी आपको वो भी सहमति नहीं होती। और मेरा पॉइंट यही था गाइज कि दीज गाइज कुड हैव डिस्कस अनदर नेम, यू नो अगर शिफाली को प्रॉब्लम थी देवोलीना के नाम से और वो अपना नाम देना चाह रही थी, तो दे कुड हैव सेड कि चलो किसी और नाम पे डिस्कस कर लेते हैं, मे बी यू अग्री विद दैट नेम, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, एवरीबडी डिसाइडेड कि भाई देवोलीना को ही बनना चाहिए। दो आई डोंट थिंक देवोलीना डिड द बेस्ट टास्क, और स्पेशली यहाँ सेफ खेला गया, माहिरा ने भी सेफ किया, यहाँ सना ने भी किया, दलजीत ने भी सेफ किया। आई थिंक मुझे लगता है ये चीज शेफाली की सही है कि अपने लिए स्टैंड लेना, बट एज आई सेड यस्टरडे आल्सो, जब उनको पता लग गया कि अब भाई सहमति चाहिए तो उनको बैक आउट कर लेना चाहिए था। बट आज फिर से उनको टारगेट करना, आई डोंट थिंक दैट्स कूल। फिर से शेफाली को टारगेट किया गया, शेफाली वो स्टिल वेरी वेरी सॉलिड, और शेफाली बिल्कुल यू नो चाहे लोग बोल रहे हैं, आरती ने भी बोला भाई उसको कॉर्नर मत करो,
बिकॉज आरती ने इसलिए बोला कि कॉर्नर मत करो बिकॉज हम भी उस जगह आ सकते हैं, पर मुझे लगा कि एक और चीज़ है कॉर्नर क्यों नहीं करेंगे लोग, बिकॉज उनको पता है क्या हुआ है पिछले सीजन में, सीजन 8 में जहाँ गौतम गुलाटी को कॉर्नर किया था, सबकी आंखों का तारा बन गया था वो लड़का। और जब आप किसी को कॉर्नर करते हो और वो बंदा स्ट्रांग रहता है तब भी, क्योंकि आप जब किसी को कॉर्नर करते हो आप ये सोचते हो कि बंदा वीक पड़ जाएगा, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कोयना को लग रहा है या जो अब्बू को लग रहा है या किसी और को लग रहा है, बट शेफाली यहाँ बहुत स्ट्रांग है, शेफाली बहुत स्ट्रांग दिखा रही है अपने आप को और वो उनके प्लस में ही जाता है, बिकॉज जब आप किसी को देखते हो कि सब उसको कॉर्नर कर दिया जा रहा है तब भी वो स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है, तो यू यू फील यू गेट रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, बिकॉज यही चीज होनी चाहिए गाइस लाइफ में। अगर आपको कहीं कॉर्नर हो जाते हो, आप सिचुएशन में कॉर्नर हो जाते हो, लोग कॉर्नर कर देते हैं किसी भी वजह से, और आप तब भी डटे रहते हो, और कई बार ये होता है ना, आप चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपने अपने एक स्टैंड लिया तो उसके साथ रहो, आई बिलीव दैट इज ऑल्सो गुड। तो आई फील आई एम लाइकिंग दिस गर्ल शेफाली जस्ट बिकॉज ऑफ द सॉलिड एटीट्यूड दैट शी कैरीज, सो आई वॉज टोटली कूल विद दैट। एक और चीज़ गाइज, अगर शिफाली की बात कर ही रहे हैं तो मुझे ये भी लगा कि आसिम का जो एक सेगमेंट है ना, दोनों का सेगमेंट रोज आता है, एक आसिम का सेगमेंट कल दिखाया गया जब वो हेल्प कर रहे थे शिफाली, और क्या लग रही थी शिफाली एक्सरसाइज करते हुए, और आसिम ने उनकी हेल्प करी, और आज भी आसिम का, तो आसिम और शिफाली का ये सेगमेंट बन रहा। आसिम ने आज भी बोला कि भाई मैं जिसके साथ करना चाहता हूँ वो थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा थोड़ा ट्रैक में मैं जा रहा हूँ, मैं सना आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड इन, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन शिफाली, इनडायरेक्टली ही सेड दैट। तो ये सेगमेंट जो है, ये जो एंगल है, ये जो कनेक्शन है, कहां तक जाएगा देखते हैं। बट गाइज, अनदर टू थिंग्स विच वी मस्ट डिस्कस टुडे इज वन, जो सिद्धार्थ डे ने किया आज फिर से, और जो रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला का एंगल है, तो पहले बात करते हैं रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला की। तो अगेन यू नो, क्रिएटिव टीम्स को पता है उनको एक एंगल दिखाना है, रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला की या तो लड़ाई करवानी है, उनका प्यार करवाना है, और वो जो एंगल है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फुटेज उसको देते रहते हैं। आज फिर से फुटेज दिया और देखा दिखाया हमें कि सिद्धार्थ और रश्मि की एक्चुअली लड़ाई भी हो सकती है। आज तूतू पे तो आ गए वो, जो पहले का थोड़ा ढका छुपा हुआ बिहेवियर था, फॉर्मल बिहेवियर, तो आज बिल्कुल कैजुअल हो गए वो वापस, ऐसा लग रहा था बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, थोड़ा फ्रेंडली वो उनका वो चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था। बट मुझे ये भी पता चल गया कि आई बिलीव दोनों अच्छा खासा एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि जो रश्मि है वो थोड़ी ढकी छुपी ढका छुपा रख रही है अपने आप को, अगर वो बोलने में आए तो बहुत गंदा बोल सकती हैं, बहुत आग बबूला हो सकती हैं, वो लड़ाई कर सकती हैं, बट वो अपने आप को थोड़ा सा भी कंट्रोल कर रही हैं, ऐसा साफ दिख रहा है और पता चल रहा है, बिकॉज जो सिद्धार्थ डे के साथ भी बाद में उनका हुआ झगड़ा, उससे पता चल रहा है कि रश्मि जा सकती हैं अगेन। आई थिंक टाइम विल कपल ऑफ वीक्स फ्रॉम नाउ आई बिलीव एवरीबडी विल कम फ्रॉम दे शेल, इवन इफ दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देर हिडन इंस्टिंक्ट्स, ना वो होता नहीं है इस घर में, बिकॉज इतने थोड़े से लोग हैं, आप कहीं जा नहीं रहे हो बाहर, तो वो कभी ना कभी तो निकलेगा, आप पूरे टाइम एक्टिंग नहीं कर पाएंगे, एक टाइम ऐसा आता है आप भूल जाते हैं, जो मुझे बताया सब्यासाची ने भी बताया, यू नो आई गॉट टू नो फ्रॉम मेनी अदर पीपल दैट इफ यू स्टे देयर फॉर लॉन्ग आप यू नो अपने नेचुरल सेल्फ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको बाद में पता ही नहीं चलता कि कैमराज हैं, यू नो ख्याल ही नहीं रहता वो, और चीज़ है कि मतलब आप जाके कैमरा पे कुछ बोल रहे हो या मैसेज देना चाहते हो, बट अदरवाइज जब आप पूरे दिन रह रहे हो यू डोंट नो अबाउट कैमरा, सो वेरी सुन आई एम श्योर वील सी मोर फ्रॉम रश्मि इज वेल। और गाइज सिद्धार्थ शुक्ला बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कभी वैक्स करवा रहे हैं तो कभी चंपी करवा रहे हैं, सना से वैक्स करवा रहे हैं, देवलीना और रश्मि से, तो सिद्धार्थ शुक्ला के मजे लग रहे हैं और पारस के मजे लग रहे हैं, पर जिसके मजे नहीं हो रहे, जिसको पप्पी नहीं मिल रही गाइज, वो है सिद्धार्थ डे। आज फिर से वो भैया टिप टिप बरसा पानी, भैया नाच रहा था लड़का, लड़का लड़की जो भी था, मिसेस ठरकी आंटी, गाइस आज भी थोड़ा स्पैम कर देना, मजा आया था कल जब आपने स्पैम किया था, मिसेस ठरकी डे, आज भी भैया डांस करती पाई गई, आज रवीना टंडन को भाई सब पीछे छोड़ दिया उन्होंने, टिप टिप बरस, क्या कर क्या रहा था भैया बंदा। एनीवेज गाइस वो तो ठीक है, पर जो हंसी की बात यह है कि भाई साहब उनको मतलब कोयना ने जो आड़े हाथ लिया डाइनिंग टेबल पे, और उससे मतलब जिस तरह वो गए कि मैं जवाब नहीं दे रहा आपको, और आई बिलीव वो तो ठीक है गाइज, बट जो जो पॉइंट है ना, जो रश्मि ने एकदम उनको बोला कि भाई ऐसे मत बोलो, उनके साथ मत जाओ, फिर ठरकी बोल दोगी तुम उनको, मुझे भी लगा कि रश्मि के मुंह से चलो निकल गया, और देवलीना उनकी साइड भी ले ली, बट जो सिद्धार्थ डे ने कमेंट किया ना कि काम पे, तो मुझे लगता है किसी काम को लेकर कि आपके पास काम नहीं है या ये वो है, आई बिलीव जब आप हल्के पड़ जाते हो, जब आपके उसको एक्सक्यूज नहीं होता, तब आप ऐसी घटिया ओछी बातें बोलते हो, जो सिद्धार्थ डे बाद में बाथरूम में कैमरे पे बोल भी रहे थे ऑडियंस को कि भाई मैं क्या करूं, मेरे मुंह से निकल जाता है ये वो फलाना ढमकाना, बट सिद्धार्थ डे का डेफिनेटली दिख रहा है कि सबसे घटिया इंसान सिद्धार्थ डे लग रहा है इस वक्त, बट जुबैर खान टाइप नहीं है, बट इन सब में सबसे
वेला वही लग रहा है, चाहे वो ठरकी कह लो उसको, चाहे उसको झूठा कह लो, जो आज उसने एकदम सरेआम करके भाई डाइनिंग टेबल पे कोई ना उससे पूछा और कहता मैं तो बोला ही नहीं था, तो मतलब झूठ बोल रहा है बंदा, बंदा ठरकी है, बंदा कह रहा है दूसरे के पास काम नहीं है, बोस्ट कर रहा है, एरोगेंस दिखा रहा है कि मैं तो भैया बहुत कुछ छोड़ के आया हूँ, तो अच्छा नहीं लग रहा। सिद्धार्थ डे को मुझे लगता है लताड़ पड़ेगी, मुझे लगता है शेफाली को जिन्होंने कॉर्नर किया, जिन्होंने उनको लताड़ पड़ेगी, जिन्होंने स्टैंड नहीं लिया अपने लिए क्वीन टॉस में, उनको लताड़ पड़ेगी। और जैसा हमने प्रोमो में देखा पारस की खिंचाई होगी, और लेट्स सी क्या होता है, और माहिरा और सना से भी पूछा जाएगा भी पारस किसको चाहिए एंड ऑल दैट। आई बिलीव दैट स्टोरी विल गो ऑन। और आरती बात कर रही थी, जैसे वो कह रही थी कि भाई जो पारस है सबको पता चल रहा है कि वो गेम खेल रहा है, पर तब भी यू नो हम लोग बिकॉज तब भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब भी चाह रहे हैं कि मतलब उसको उसकी अटेंशन लें या उसके साथ अच्छे ढंग से रहें। तो गाइज एक घर है, चाहे आप गेम खेलो चाहे नहीं खेलो, आई बिलीव यू नो एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन। तो मुझे लगता है पारस का जो गेम है वो जो सबसे स्ट्रेंथ उनकी यही है कि वो जो बोल रहे हैं ना कि मेरा ये गेम है और तब वो गेम खेल रहा है, तो वो बेटर है। अगर वो ऐसा करता है कि भाई मैं गेम नहीं खेल रहा और वो ही वुड ट्राई टू बी अ सेंट एंड देन ट्राई टू डू दिस ऑन द बैक ऑफ पीपल, देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम। अभी सबको बोल के कर रहा है तो पीपल आर एक्सेप्टिंग यार कि उसका है, उसकी नेचर ऐसी है, वो गेम खेलने आया, वो गेम खेल रहा है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ही इज़ वेरी वेरी कहते हैं ना मिलापड़ा है, पंजाबी मिलापड़ा काइंड ऑफ बंदा है, तो वो चीज़ उसके लिए अच्छी जा रही है। और दैट्स वॉट गाइज टूडेज रिव्यू इज़। आई बिलीव मुझे लगता है कि बहुत यू नो सारे अगर 13 कंटेस्टेंट्स की बात करें तो ऐसा कोई भी नहीं है अभी तक जो बिल्कुल नहीं दिखा। थोड़ा अबू मलिक जी नहीं दिख रहे थे पर वो भी दिखे हैं, टास्क में भी दिखे हैं, आज भी उन्होंने थोड़ा अपना यू नो सॉलिड रूप दिखाया, जब उनको दो कार्ड्स मिल गए, दो रिंग्स मिल गई, तो उन्होंने कहा कि अब दलजीत और इसको तो माहिरा को मैप दिखाऊंगा। तो एवरीबडी इज डूइंग समथिंग होती है, कोई ना भी थोड़ी सी बॉस कर रही है, डोमिनेट कर रही है, अपनी बातें बड़ी मेच्योरिटी से रखती हैं, एक यू नो बिग मदर और बिग डॉटर या बिग सिस्टर ऑफ द हाउस कह लो, ऐसा दिख रही है। तो एवरीबडी इज प्लेइंग देयर रोल क्वाइट वेल, 13 कंटेस्टेंट्स, तो बड़ा अच्छा जा रहा है मुझे लगता है, जो कंटेंट वाइज है या जो कैरेक्टर्स फिट हो रहे हैं जिस तरह से। तो देखते हैं आगे क्या होता है, वाइल्ड कार्ड एंट्रीज कैसे आती हैं, वीकेंड के वार से क्या होता है, किसको लताड़ पड़ती है, किसको मोटिवेशन मिलती है, किसकी खिंचाई होती है, क्या मजाक मस्ती होती है, देखेंगे और जुड़ेंगे गाइज। और एक और अनाउंसमेंट है, आई एम इन टच विद वन ऑफ द एक्स कंटेस्टेंट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस रिव्यू, और वो मेरे साथ वीकेंड का वार करेंगे। आपको आप क्या गेस करते हो कौन हो सकता है वो इंसान, जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और आपको क्या लगता है ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और वो किस तरह का फॉर्मेट करना चाहिए, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ अ लाइव इंटरेक्शन विद दैट एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट फॉर यू गाइज। तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया बताइए, और आप किसको देखना चाहते हैं, आप क्या लगता है कौन होगा वो जरूर बताइएगा। जो मेरा चैनल देखते रहते हैं शायद उनको पता लग जाए, बट जो नहीं देखते और जो नए सब्सक्राइबर वो फाइंड आउट करिए। तो गाइज इसी के साथ मैं ये रिव्यू यहीं क्लोज करता हूँ, कल वापस अपने स्टूडियो में दिखूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, गुड बाय।